हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग को बताऊंगी ब्राइडल स्मोकी आई मेकअप किस तरीके से करना है, सब कुछ बताऊंगी आज। और आज ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में आपको ब्राइडल स्मोकी आई मेकअप सीखने को मिलेगा। वैसे मैंने अपने ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में बहुत सारी चीज़ें फेशियल, आईब्रो, थ्रेडिंग, कटिंग, हेयर स्टाइल बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ सब कुछ। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर देना ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सको गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने स्किन को आपको मॉइस्चराइज करना है और प्राइमर लगा लेना है। तो मैंने मॉइस्चराइज कर लिया है और प्राइमर लगा लिया है चेहरे पे। अगर आपके पास प्राइमर ना हो तो आप प्राइमर की जगह पे एलोवेरा जेल या फिर वैसलीन ये अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छा लुक देता है। ओके, तो मैंने प्राइमर यहाँ पर लगा लिया है और मॉइस्चराइजर के लिए मैंने निविया का क्रीम लगाया था, तो ये दोनों चीज़ें मैंने लगा ली है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा आई मेकअप का। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले आपको अपने आईब्रो को फिल करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने आईब्रो को फिल करने के लिए मैं आई शेडो पैलेट में से ब्लैक कलर का आई शेडो लूँगी। इससे बहुत अच्छा आईब्रो का शेप आ जाता है। तो आपको पहले इस तरीके से अच्छी सी शेप दे देनी है। ओके, पहले नीचे की शेप दे दीजिए इस तरीके से, उसके बाद आपको ऊपर से जिस तरीके का शेप देना हो आप दे दीजिए। मैं थोड़ा सा वी शेप का दूंगी इस तरीके से। ओके, अब इसको अच्छे से फिल कर लेंगे। ये देख सकते हो अच्छे से फील हो गया है आईब्रो। आईब्रो फील करते टाइम ध्यान रखिए कि कहीं भी आईब्रो के बीच में गैपिंग ना दिखे। ओके, तो ये देखिए अच्छे से हो गया। अब सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी कर लेना है। तो दूसरी साइड करने के लिए पहले आप इस तरीके से एकदम ब्रश की मदद से देख लीजिए कि एकदम बराबर आना चाहिए। वहाँ पर एक हल्की सी लाइनिंग सी बना दीजिए। यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। ओके, तो पहले मैं इधर का भी नीचे का फिल करूँगी, उसके बाद ऊपर का फिल करूँगी। आईब्रो अगर ऊपर नीचे होती है तो हमारा मेकअप अच्छा नहीं दिखता है। तो इसका खास ध्यान रखिए कि आईब्रो सेम होनी चाहिए। ओके, तो ये नीचे से हमारा एकदम सेम हो गया, आप देख सकते हो। ओके, अब ऊपर का भी इस सेम ऐसे नाप के यहाँ से आपको अपने आईब्रो को लाइन दे देनी है। ओके, अब अच्छे से फील। तो इस तरीके से आप आईब्रो की गैपिंग भी कम कर सकते हो और अच्छे से इस तरीके से पूरा डार्क कलर अपना अप्लाई कर लीजिए, जितना भी डार्क आपको चाहिए। उसके बाद लीजिए आप अपना फेवरेट वाला कंसीलर और आईब्रोज के जस्ट नीचे से अप्लाई करते जाइए। कोई सा भी ले सकते हो, लॉरियल, लैक्मे का वैसे बेस्ट होता है, मैक का बहुत बेस्ट है, HD कंसीलर भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप ले लीजिए। कंसीलर बहुत ज़रूरी है आई मेकअप या फेस के मेकअप के लिए। जहाँ भी आपका डार्कनेस होता है उसको अच्छे से कंसील कर लेना चाहिए, उससे आपका आई मेकअप बहुत अच्छा आता है इसके लिए। ओके, ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो कितना डिफरेंट है, पूरा डार्कनेस को अच्छे से कवर कर लेता है कंसीलर आपका। और सेम तरीके से आपको दूसरी साइड भी कंसीलर को अप्लाई करना है। इससे क्या होता है कि कई बार हमारी थ्रेडिंग वगैरह नहीं बनी होती है, फिर स्किन का जितना भी डार्क एरिया होता है वो अच्छे से कंसील हो जाता है और फिर हम आई शेडो अप्लाई करते हैं या मेकअप अप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे से आपका मेकअप और आई शेडो उभर के आता है आपके स्किन पर। ओके, उसके बाद से आप अपने ब्रश से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से जिससे भी आपको चाहिए आप उससे अपने कंसीलर को सेट कर लीजिए, कंसीलर को ब्लेंड कर लीजिए। सॉरी, ब्लेंड करने के बाद से आप अपना फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर ले लीजिए और उससे अपने कंसीलर को सेट कर लीजिए। ओके, ब्रश से भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है। और हाँ, जिसका भी जैसा स्किन टोन हो उस हिसाब से आप अपना कंसीलर या फिर कंसीलर चूज़ करोगे। मेरा शेड नंबर 1 है जो कि बहुत ज़्यादा फेयर होता है
और शेड नंबर टू अधिकतर ज़्यादातर लोगों पे होता है, जैसे मीडियम कलर हो तो आप शेड नंबर टू ले सकते हो। अपनी स्किन से वन शेड लाइट आपको कंसीलर चूज करना चाहिए। ओके, तो अब लेते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर और अच्छे से अपने ये मेकअप को सेट कर लेंगे। तो इसको आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर हो उससे आप अच्छे से सेट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अपनी क्रीच एरिया पे मैरून कलर का वाइन कलर का आई शेडो लेके उस पर क्रीच एरिया पे अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। बहुत ही प्यारा सा मेकअप है, बहुत ही अच्छा है, आप इसको देख के ट्राई कर सकते हो। ब्राइडल मेकअप भी है, नई नवेली दुल्हन भी कर सकती हैं और इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही प्यारे लगोगे। तो क्रीच एरिया पे मैंने इस तरीके से मैरून कलर का वाइन कलर का आई शेडो अप्लाई कर लिया है। उसके बाद से मैं दोबारा कंसीलर लूँगी और अपने आईब्रो कट क्रीच बनाने के लिए कंसीलर का अप्लाई करूँगी। कंसीलर लगाने से आपका कट क्रीच बहुत सुंदर बन जाता है और अच्छा मेकअप आई शेडो का कलर उभर के आता है। तो हाफ जैसे इस तरीके से कट क्रीच मैंने बना लिया दोनों आईज पे, इस तरीके से बना लिया है। उसके बाद से मैं हाफ आईज पे अपनी इनर कॉर्नर से येलो कलर का आई शेडो अप्लाई करूँगी। बहुत ही प्यारा लुक देगा ये, ब्राइडल्स के लिए बेस्ट रहेगा गोल्डन स्मोकी आई मेकअप। तो इस तरीके से आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो हाफ आईज पे गोल्डन कलर का आई शेडो अप्लाई कर लेंगे, फिर आउटर कॉर्नर पे ब्लैक कलर का आई शेडो अप्लाई करेंगे इस तरीके से। आराम से कीजिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना कीजिए। तो इस तरीके से आपको ब्लैक कलर का आई शेडो अप्लाई कर लेना है और फिर से जितना एरिया बचा हुआ है उस पर फिर से आप येलो कलर का आई शेडो अप्लाई कर दोगे। ओके, इस तरीके से फिर से हम येलो कलर का आई शेडो लेंगे और अच्छे से अप्लाई करेंगे। ओके, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद से थोड़ा सा पहले गोल्डन और ब्लैक कलर का अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, अपना डार्क कलर जो भी आ जाए आपका इनर कॉर्नर में गोल्डन कलर येलो गोल्डन और आउटर कॉर्नर पे आपको ब्लैक कलर का आई शेडो अप्लाई करना है। उसके बाद से दोनों आईज पे सेम इसी तरीके से आप अप्लाई करोगे। थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर लेते हैं आई लीड पे, लीड पे देखिए कितना प्यारा लग रहा है। दोनों आईज पे सेम इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है आई शेडो और थोड़ा सा सिल्वर कलर का आई शेडो लेके आपको अपनी कट क्रीज पे अप्लाई कर लेनी है इस तरीके से, बहुत ही प्यारा लुक आएगा। अब दोनों आईज पे सेम इस तरीके से आप आई मेकअप अप्लाई कर लो। थोड़ा सा और डार्क इसको कर लेते हैं, आप ग्लिटर लगाओगे तो और भी प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया यहाँ पे। तो इस तरीके से फिर से हमने यहाँ पे दोनों आईज पे आई शेडो इस तरीके से अप्लाई करना है, बहुत ही प्यारा लगेगा ब्राइडल लुक के लिए, बहुत ही अच्छा ब्राइडल आई मेकअप है और ब्राइडल मेकअप ही पूरा बता रही हूँ। उसके बाद से हम आई ब्रोज के नीचे हाइलाइटर यूज करेंगे। हाइलाइटर लगाने से हमारा आई मेकअप का लुक बहुत ही प्यारा लगता है, तो हाइलाइटर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद से हमको क्या करना है, दोनों आईज पे सेम लगा लेंगे और जो अपने क्रीच एरिया पे मैरून वाइन कलर का जो आई शेडो अप्लाई किया था वो लो वाटर लाइन पे भी इस तरीके से आप अप्लाई कर लोगे दोनों आईज पे सेम। ओके, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे मस्करा वेट एंड वाइल्ड का मस्करा यूज कर रही हूँ। उसके बाद से लैक्मे 925 का लाइनर लगा लूँगी मैं, थोड़ा सा लंबा विंग बनाते हुए आपको लाइनर अप्लाई कर लेना है। ओके, मैं अपने ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में बहुत सारी चीज़ें सिखा रही हूँ गाइस, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और भी लोगों को जोड़िए ताकि अच्छे से उन लोगों को समझ में आ जाए और आप लोग को भी समझ में आ जाए। कुछ भी ना समझ में आए, कुछ भी एक्स्ट्रा सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइस। तो इस तरीके से मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया है मोटी सी विंग्स बनाते हुए। ब्राइडल्स पे अक्सर थोड़ी सी चौड़ी आई लाइनर बहुत अच्छी लगती है, अदरवाइज उनकी चॉइस है। तो मैंने अपर पे और लोअर आई लाइन पे आई लाइनर अप्लाई कर लिया है। उसके बाद से मैं एडीएस का काजल अप्लाई करूँगी, एडीएस का काजल बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके बाद से हम लोग फेस का मेकअप स्टार्ट करेंगे और ये लाइनर लगाने के बाद से अगर आपकी विंग्स थोड़ी भी इधर उधर है तो आप लीजिए अपना कंसीलर और इस तरीके से नीचे से अप्लाई कीजिए, बहुत ही प्यारा सा विंग्स बन के आ जाएगा और आपकी विंग्स बिल्कुल भी मतलब अलग नहीं लगेगी, एकदम एक जैसी दिखेगी। आप देखिए दोनों आईज का विंग्स कितना प्यारा सा बन गया।
ओके, और कुछ भी एक्स्ट्रा गिरा होगा वो आपको कंसीलर से आपके अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। नोज के हाईलाइट्स पॉइंट पे आपको इस तरीके से कंसीलर लगा लेना है। यहाँ पे आपको कंसीलर लगाना होता है, ओके, हाइलाइटर, यहाँ पे आपको ब्लश लगाना होता है, यहाँ पे आपको कॉन्टोरिंग करनी होती है। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग के लिए मैं अपने हाथों का ये यूज करूँगी। इसके बाद से कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी और अच्छे से अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी। कंसीलर को सेट करने के बाद से हाइलाइटर लगाएंगे अपने हाइलाइट्स पॉइंट्स पे सब जगह। तो इस तरीके से ब्लेंडिंग करने के बाद से आपको अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने पूरे मेकअप को सेट कर लीजिए। ओके, उसके बाद से आप अपना कंटूर एरिया पे थोड़ा सा अपने स्किन टोन से डार्क शेड का वो ब्लश लेके इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जैसे बहुत ज़्यादा गोरी है लोगों पे पिंक कलर का ब्लश अच्छा लगता है, तो मैं हल्का सा पिंक डाल दूँ। अगर आपका ज़्यादा ब्लश हो जाए तो आपको क्या करना है, अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लेना, उसको दोबारा अप्लाई कर लेना, तो आपका ब्लश कम दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा ज़्यादा हो गया था तो मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लेके इसको दोबारा से सेट कर लो, तो आपका ब्लशिंग कम दिखने लग जाएगा। और उसके बाद से आप हाईलाइट यहाँ पे यूज करोगे, स्माइल करोगे, और आपका जो चिक बोन होता है वहाँ पे आप हाईलाइट कर लोगे अपने फेस को। नोज पे हाईलाइट करनी है, नोज पे आप फिंगर का भी यूज कर सकते हो। ओके, अपने फोरहेड पे, टीजन एरिया पे, अपर लिप्स पे, ठोड़ी पे, यहाँ पे आपको हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद हमारा आता है लिपस्टिक की बारी। लिपस्टिक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आईलेस लगा लेते हैं। पहले एडीएस का काजल अप्लाई कर लेती हूँ, मैंने काजल नहीं लगाया था। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आईलेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये वाला आईलेस है, ज़्यादा बड़ी आईलेस मैं नहीं लगाती हूँ, और ये है मैक का आईलेस ग्लू। तो इसको अच्छे से लगा के, कभी भी ग्लू को लगाने के बाद से 30 सेकंड तक आपको ऐसे ही छोड़ देना, उसके बाद से अपने आईज़ पे इसको अप्लाई करना है। नॉर्मली आप रखोगे तो सेट हो जाएगा, दूसरों का लगाओगे तो बहुत ही इजीली लग जाएगा, खुद का भी लगाओगे तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आईलेसेज अप्लाई कर ली हैं दोनों आईज़ पे। लगाने के बाद से हम लोग यहाँ पे मेकअप को अपने, ये देखिए इस तरीके से आईलेस लगा लेंगे, कितना प्यारा लग रहा है। अब चलते हैं लिपस्टिक की तरफ। तो इस तरीके से अपनी लिप्स को कट कीजिए, चौड़ा पतला जी जैसा शेप देना आप इस तरीके से शेप दे सकते हो। अपनी फेवरेट वाली लिपस्टिक लेके अपने लिप्स लिप्स पे अप्लाई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वाइन कलर का लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। दुल्हन को अक्सर मतलब डार्क कलर की लिपस्टिक लगानी चाहिए, उससे उनका लुक अच्छा दिखता है। ओके, तो इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। तो ये लगभग, और आपका जैसे लिपस्टिक इधर उधर फैल जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको लेना है कंसीलर, अपने लिप्स को अच्छा सा शेप देना है जैसे जैसे आपने बनाया था, और थोड़ा भी इधर उधर आ जाए उसके लिए, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है थोड़ा सा, और इसको इस तरीके से लाइनिंग दे देते हैं तो लिपस्टिक फैल जाए। तो टेंशन नहीं लेने का, इस तरीके से आपको कर लेना है और अपने कंसीलर को सेट कर देना है। उसके बाद से कॉम्पैक्ट पाउडर लेके अच्छे से सेट कर लेना है पूरा। तो इस तरीके से आपको कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर देना है। लगभग हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया। अभी आपको मेकअप फिक्स कर लेना है अपने फेस पे, अच्छे से मेकअप को फिक्स कर लेना है। ओके, थोड़ा सा फिर से आउटलाइनर लेके इस तरीके से आउटलाइन कर दो, ताकि आपने जो पाउडर वगैरह लगाया था उससे शेप बिगड़ जाता है, तो अच्छे से हो जाए। फिर हमने अपने मेकअप को सेट कर लिया। उसके बाद से मैंने यहाँ पे ज्वेलरी पहन ली है और रेड कलर का दुपट्टा लिया है। आप ब्राइडल हो तो लहंगा वगैरह पहनोगे तो और भी अच्छा लुक आएगा। तो ये था मेरा फाइनल लुक, कैसा लगा गाइज आप लोग को? आई मेकअप देखिए, ये DIY नथिया है, ये मेरा चेन है, इसको मैंने अपने नाक के रिंग के साथ, नाक के पिन के साथ इसको अटैच करके इस तरीके से DIY नथिया बनाया। बहुत ही प्यारा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है वो बताइएगा। और ये मैंने दुकान से ली थी ज्वेलरी, तो
आई होप वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और लोगों के साथ जुड़िएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े। ये सारे मेरे फाइनल लुक हैं, कैसे लगे आप लोगों को मैंने पिक्स भी डाल दिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेकअप जरूर ट्राई कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ पाएँ। और अगर आप आसपास के एरिया से हो तो ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मेकअप के लिए बुकिंग कर पाएँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों को थैंक यू बोलना कम होगा तो वर्ड्स नहीं है, आप लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए। लव यू गाइज, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और मेकअप को शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। लव यू गाइज, टेक केयर, ध्यान रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स में।